Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता. As a federal minister, I walk out. ये minister for information. दहशतगर्दों से मुतालिक आईबी नाम वफाकी वजीर रियाज पीरजादा का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज. कहा आईबी फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया गया, लोग हमें दहशतगर्द समझ रहे हैं. शेख रशीद को सलाम पेश करता हूं, कौमी असेंबली से वॉकआउट. वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर रियाज पीरजादा को मनाकर वापस ले आए. मिनिस्टर्स की निगरानी हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी जमहूरियत है कि जनाब वुज़रा की निगरानी इनके अपने महकमे करें. और कमाल की बात है, जो निगरानी करने वाले हैं, मैंने जो नाम देखे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के तीन नाम चेयरमैन, उनमें एक नाम उसी डीजीआईबी का है. आईबी फहरिस्त में सियासतदानों के नाम पर शाह महमूद कुरैशी भी बरस पड़े. कहा अपोजिशन नहीं हुकूमती वज़रा भी मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रहे. कमाल की बात है, निगरानी करने वालों में से एक नाम चेयरमैन नैब के लिए भी आया. कौमी असेंबली में इजहार ख्याल. इलेक्शन बिल 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली से मुतफिक का तौर पर मंजूर. वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा खत्म नबूवत के खिलाफ किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं. ये बिल 3 साल की मेहनत का नतीजा था जिसमें अब तरमीम करना पड़ रही है. कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह तक मुलतवी. तरमीमी बिल अब सेनेट से भी मंजूर कराया जाएगा. कराची में खवातीन पर चाकू से वार करने वाला मुलजिम पकड़ा गया. एडिशनल आईजी का दावा. वजीर आला सिंध को फोन करके कहा गुज़िश्ता रोज 15 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया जिनमें खवातीन पर हमला करने वाला भी शामिल था. गुलिस्तान जौहर के बाद गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में भी 5 खवातीन चाकू का निशाना बनी. इलाके के थानों में 2 मुकदमा भी दर्ज. तालिबात का सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा. यहाँ के लिए कुछ सिक्योरिटी दें हमें, क्यों हम लड़कियाँ हम सुबह से आए हुए शाम में वापसी हमारी होती है. उस रास्ते से जाना तो एक डर रहता है दिल में. गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अकेले निकलना. सेपरेट घर से अकेले निकलते वक्त 10 दफ़ा हम सोच रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, कैसे हम यूनिवर्सिटी पहुँचे और सेफली पहुँच पाएंगे नहीं. खवातीन पर हमला करने वाला नफ्सियाती नहीं हमला आवर मुनज्जम गिरोह का हिस्सा है. चाकू हमले सी पैक मंसूबों के खिलाफ साजिश है. पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का बयान. कहा खवातीन पर हमला कराची पर हमला है. अमरीकी फौज और हुकूमत को अपनी नाकामियों पर कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते. पाकिस्तान का ट्रंप इंतजामिया को 2 टोक पैगाम. नफीस जकरिया ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनागाहों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की. अफगानिस्तान में नाकामी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है. हफ्तावार ब्रीफिंग में अमरीकी जनरल का बयान भी मुस्तरद कर दिया. We have concerns about the future of Pakistan's government too. In terms of them, we want their government to be stable. We want it to be peaceful. And many of the same issues they're struggling with inside of Pakistan are our issues. अमरीका का हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इजहार तशवीश. रेक्स टिलरसन कहते हैं अमरीका पाकिस्तान में मुस्तहकम और पुरअमन हुकूमत चाहता है. पाकिस्तान के इशूज अमरीका के इशूज हैं. अमरीकी महकमा खारजा अपने वजीर मालूम नहीं रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तानी हुकूमत के मुस्तकबिल पर खदशात क्यों जाहिर किए. तर्जुमान का मौकिफ. DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. तैयारे में मुसाफिर की तबीयत खराब. नवाज शरीफ का तैयारा 1.5 घंटे की ताखिर के बाद लंदन के लिए रवाना. नवाज शरीफ कौमी एयरलाइन के परवाज के जरिए लंदन जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाहली केस की समाअत. देख रहे हैं FBR को रकम ज्यादा और इलेक्शन कमीशन को आमदन से कम बताई गई. कहीं ज्यादा आमदन बताकर काला धन सफेद तो नहीं किया गया. चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत मंगल तक मुलतवी.
इमरान खान के पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा, कप्तान के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दरखास्तें खारिज होंगी। मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मुल्क से अरबों रुपए के गिफ्ट भी टैक्स चोरी है, इमरान खान से कहता खान पर लफ्जी वार, जहांगीर तरीन के पास सबूत हैं तो पेश क्यों नहीं किए जा रहे। जजेस नजरबंदी केस में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एक बार फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दे दिया। कोयटा में कांगो से मुतासर एक और मरीज दम तोड़ गया, 50 साल शख्स अस्पताल में जेर इलाज था, जहां बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डेंगू का वार, मुतासर अफराद की तादाद 12,000 से तजावज, 43 अफराद जहां बहक, 400 से जायद अफराद जेर इलाज। लॉस वेगास कॉन्सर्ट पर हमला क्यों हुआ, स्टीफन ने शहरी क्यों बनाया, एफबीआई ताहाल हमले की असल वजह मालूम नहीं कर सकी। हमलावर की गर्लफ्रेंड का बयान भी रिकॉर्ड, डेनले ने कहा कि कॉन्सर्ट में कत्लेआम की मंसूबाबंदी से ला इल्म थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास का दौरा मुतल्लका थी। समंदरी तूफान इरमा के मुतासरीन की इमदाद के लिए कॉन्सर्ट, 5 साबिक अमरीकी सदूर फंड रेजिंग के लिए मैदान में आ गए। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर और जॉर्ज एच डब्ल्यू शिरकत करेंगे। कॉन्सर्ट 21 अक्टूबर को टेक्सटाइल। रोहिंग्या मुसलमान दोहरे आजाब का शिकार, स्मगलर्स की आमद का खदशा, बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को लाने वाली 20 कश्तियां जला दी। पनाह गुजीनों की आड़ में मुल्क में मंशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, बांग्लादेशी हुकाम का मौकिफ, सैकड़ों बेघर पनाह गुजीन फंस गए। दुनिया भर में आजा का दिन मनाया जा रहा है, वालदैन बच्चों की परवरिश और असातिज़ा ज़हनी परवरिश करके उन्हें मुस्तकबिल का कारामा शहरी बनाते हैं। इन अजीम हस्तियों को सलाम। टीचर्स डे पर हाफिज अब्बास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का इस्लामाबाद में पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी है, फिजाइया सरहदों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम करेगी। जनरल जुबैर महमूद हयात का जवानों से खिताब। हवाओं को चीरते फिजा में करतब दिखाते पाक फिजाइया के तैयारों की कराची की फिजा में घनघोर। टीवी पर एयर शो का आगाज, बरतानवी शाही फजाई के तैयारी भी शरीक।